नमस्कार दोस्तों, मैं राणा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक पांडा वेब में। दोस्तों, बोर्डिंग स्टेशन वो स्टेशन जहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने को लेकर के इंडियन रेलवे में काफ़ी सारे नियम बनाए गए हैं। वो नियम क्या हैं आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आप अपनी यात्रा में कुछ चेंज करना चाहते हैं, बोर्डिंग स्टेशन में चेंज करना चाहते हैं, तो ये नियम आपको जानना ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ बोर्डिंग स्टेशन को लेकर के सारे जो नए नियम हैं उनके बारे में। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे में बोर्डिंग स्टेशन का मतलब होता है जहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको जिस स्टेशन से आप टिकट बुक करते हैं उस स्टेशन से ना होके आपको अगले दूसरे स्टेशन से आपको ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो ऐसे में आप अपनी बोर्डिंग स्टेशन को कैसे चेंज करें, तो इसको लेकर के रेलवे ने काफ़ी सारे नियम बनाए हैं। वो नियम क्या है? जो पहला नियम है, बोर्डिंग स्टेशन आप टिकट बुक करने के टाइम में चेंज कर सकते हैं, या तो फिर टिकट बुक करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। ये दोनों आप ऑप्शन आपको रेलवे के द्वारा दिया जाता है। जब आप अपना बोर्डिंग स्टेशन टिकट बुकिंग के टाइम में चेंज करते हैं, तो रेलवे के द्वारा आपको एक बार और ऑप्शन दिया जाता है कि आप बाद में भी अपने बोर्डिंग स्टेशन में चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर आप टिकट बुक करने के बाद अगर बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर रहे हैं, तो मात्र आपके पास एक ही बार ऑप्शन मिलता है कि आप अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर पाएं। बोर्डिंग स्टेशन को लेकर के दूसरा नियम, टाइम क्या है, बोर्डिंग स्टेशन आप कब तक चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो पहले का नियम था कि आपको जो बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना होता था वो ट्रेन प्रस्थान के 24 घंटे पहले आपको करना पड़ता था, लेकिन जो नया नियम आया है उसके तहत आप चार्ट बनने से पहले तक बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, कंडीशन लगाया गया है, अगर आप 24 घंटे के अंदर बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करते हैं, तो वहीं अगर आप टिकट को कैंसिल करवा देते हैं तो इसमें आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल तत्काल का जो नियम है वो इसमें लागू कर दिया जाएगा। हाँ, अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है, कोच अवेलेबल नहीं है, रूट में चेंज होता है, या ट्रेन 3 घंटे लेट है, तो अगर आप टिकट कैंसिल करवा रहे हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अदरवाइज 24 घंटे के अंदर बोर्डिंग स्टेशन चेंज करवाने के बाद आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा टिकट कैंसिल करके बाद। हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का टाइम है 24 घंटे पहले अगर आप करवा लेते हैं तो आपको ना कोई एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेगा, कैंसिलेशन भी करवाएंगे तो आपको जो रिफंड अमाउंट होता है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने को लेकर के जो तीसरा नियम बनाया गया है, यदि यात्री बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करता है तो वो अपने जो वास्तविक बोर्डिंग स्टेशन है उससे यात्रा करने के सारे अधिकार खो देगा। दोस्तों, यदि कोई भी यात्री बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के बाद भी उसी अपने वास्तविक बोर्डिंग स्टेशन से यात्रा करता है, तो इन केस में क्या होता है कि रेलवे आप पे जुर्माना लगा सकता है। उस स्टेशन से जो आप ट्रैवल कर रहे हो उसमें आपको विदाउट टिकट का जो जुर्माना लगाया जाता है वो जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। तो बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के बाद ध्यान दीजिएगा, आपको उसी बोर्डिंग स्टेशन से ट्रैवल करना है जो आपने नए बोर्डिंग स्टेशन में चेंज करने में दिया है, उसी बोर्डिंग स्टेशन से आपको ट्रैवल करना है। बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के टाइम में ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, ना ही रेलवे के द्वारा आपको कोई अमाउंट वापस किया जाता है, और ना ही आपके टिकट के स्टेटस में कोई चेंज होगा। जो आपका बर्थ है, जो सीट नंबर है, जो कोच है, वो सारा का सारा सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बोर्डिंग स्टेशन को लेकर के फोर्थ रूल कहता है कि अगर आपने विकल्प ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है टिकट बुकिंग के टाइम में, तो आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं कर सकते हैं अपना। वहीं जो बोर्डिंग स्टेशन को लेकर के पांचवा नियम बनाया गया है कि अगर आपने ऑफलाइन काउंटर से टिकट ले रखा है तो आप ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको काउंटर पे ही जाके बोर्डिंग स्टेशन अपना चेंज करवाना पड़ेगा। जो छठा नियम है वो करंट टिकटों को लेकर के है, IRCTC करंट टिकटों पे बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का ऑप्शन नहीं देती, आप करंट टिकटों का बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो बोर्डिंग स्टेशन को लेकर के लास्ट नियम है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपके टिकट जब्त हो रखे, सीज हो रखे हैं, तो आप अपने बोर्डिंग स्टेशन में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये कुछ नियम बनाए गए हैं IRCTC के द्वारा बोर्डिंग स्टेशन बदलाव को
को लेकर के दोस्तों। तो अगर आप बोर्डिंग स्टेशन में चेंजेस करते हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। बोर्डिंग स्टेशन कैसे चेंज करना है इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, ऊपर आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कैसे बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना है। जब आप लॉगिन करते हैं टिकट बुकिंग के टाइम में, टिकट को बुक कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपने बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं, चेंज बोर्डिंग स्टेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन बन के आ जाता है इस रूट में जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट करना है। इसी करने के बाद आपका बोर्डिंग स्टेशन अब यहाँ पे चेंज हो जाता है कि आपने टिकट तो कहीं और से बुक कर रखी है लेकिन आप ट्रैवल किसी और स्टेशन से करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप अपने बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं टिकट बुकिंग के टाइम में। वहीं अगर आप टिकट बुकिंग करने के बाद बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माई अकाउंट में जाना होगा, माई ट्रांजेक्शन में बुक टिकट हिस्ट्री। यहाँ पे जाने के बाद आपको जिस भी टिकट के लिए बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना है नीचे ऑप्शन आ जाएगा चेंज बोर्डिंग पॉइंट। इसे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं आप कौन से स्टेशन से बोर्ड करना चाहते हैं, आप उसे सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ओके करने के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और आपका जो बोर्डिंग स्टेशन है वो ईजिली चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप बोर्डिंग स्टेशन से रिलेटेड सारी नियम को जान लें। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।